तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं माणक सिद्ध मंदिर। जैसे कि मैं 2-3 व्लॉग में बोलता आ रहा हूँ पर गया नहीं क्योंकि यार टाइम नहीं मिला साफ बात। तो आज हम जा रहे हैं उस मंदिर में और अभी तैयार होता हूँ और बाहर दो दोस्त वेट कर रहे हैं। पहले उनसे मिलता हूँ भाई साहब, पहले उनसे मिलता फिर करता हूँ आपसे बात। पाए तो आज कुछ ऐसा प्लान है, आज हम जा रहे हैं माणक सिद्ध मंदिर। मैं 2 दिन से तो कहते आ रहा था कि जाना है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। और छोटे भाई का एक बर्थडे है कल ही परसों है, तो उसका भी कुछ सीन करना है, देखते हैं अब क्या सीन होता है। बाकी बुला तो रखा, ये थोड़ना है। तो अभी 3 तो हम आ गए, 2 और आने बाकी हैं। मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, प्राचीन मंदिर है, उसकी भी अलग स्टोरी होगी, देखते हैं क्या स्टोरी है उसकी, बताऊँगा वहाँ जाके। ये भाई भी स्कूल से आ रहे हैं काफ़ी मेहनत करके, तो अब चल रहे ये बैठे हैं पराठे खाने। तो अभी पराठे खाएंगे, अभी पराठे आ रहे हैं, तो सोचे पहले कुछ खा पी लिए, किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे सब लोग, ये है रोंटेला भाई की दुकान, ये प्रभात उत्तराखंड, तो साथ में अचार भी खाएंगे। तो इसी बात के लिए लाइक करिए गाइस, अचार के लिए लाइक। अभी एक और लड़का आ रहा है हमारे साथ का, फिर हम जाएंगे माणक सिद्ध। और एक और गाड़ी बोले मंगा दो ना यार, लाएगा तो बढ़िया है, लाएगा वो साले, मेरी गाड़ी में रख रहा है। वही तो इसकी गाड़ी में रखा है, मेरी गाड़ी पता कब से है, मेरी ना कब से है, 10 साल से है भाई। ना भाई तू बोला, तूने तो डलवा रखा है। कोल कौन सा है, बिना तेल के चलता है, कौन सा बिना तेल के चले गाड़ी तेरी आएगी भाई। इसकी तो इलेक्ट्रिक है वैसे भी, तेरी तो इलेक्ट्रिक आएगी। तो ये इधर यहाँ बहुत लड़ाई हो रही है गाड़ी के लिए, भाई रुक जा, सदियों आने दे, किसी का नहीं आया यार, सदियों से भूखा है भाई। अच्छा भाई किसी का नहीं आया, तभी खा ही रहा है भाई अगला भाई। कैसा लग रहा है वो, तो रिव्यू तो कर थोड़ा, कैसा भी डिस्टर्ब मत कर, अभी डिस्टर्ब नहीं करनी, थोड़ा आगे करो। और ये आगे UIT का बंदा, छात्र मिल गई है भाई को, अच्छी टेंट हाउस में, उसकी आंख से देख आंसू निकल गए, इतना गरम खा लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रो। ओए भाई 2 चम्मच दे दो, नाम बोल सकते हैं काम बोल सकते। तो अरे बैठे रहे भाई पहले तू, भाई लोगों को खाने दे। ये हो चुका है नाश्ता, तू बुलाना, ये रिव्यू दे भाई रिव्यू। और अब हाथ धुल लेता हूँ, बाप रे बाप, बहुत तीखा भी था भाई पर मज़ा आया, चटपटा था। और ये अपने कहाँ गए अपने शेफ साहब, ये रहे ये भाई, कुछ कुछ बोलो यार व्लॉग में, व्लॉग की लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब। और ये चल रहे हैं अभी समोसा, रास्ते में मिल गई थी बछड़ी, अच्छी बछड़ी, दूसरी भी आ रही है उधर से। ओए लियो यार, ऐसे रखे इसको, अभी स्टार्ट देखो गाइस, हमारे ब्लॉगर आज देखो गाइस, बोल भाई ब्लॉगर देखो, ये काफ़ी वो तो आई नहीं रही यार वाली, देखो गाइस, देखो मैंने छोड़ दिया ना इसको, अब देखो इधर आएगी, देखो ये देखो, चल चल बेइज्जती करती है चल। ये अभी अभी सब लोग मिल गए थे, 1 घंटा लगा है भाई ने आने पे, ये वाला भी विकसित हो चुका है। देखो यहाँ का लेन, मेन हाईवे है, ये काफ़ी अच्छी रोड है इस टाइम भाई। अच्छा अब देख सकते हो, पहली बार काफ़ी भाई, मैंने पहली बार देखी है ऐसी चौड़ी रोड सच में। ये है मेहू वाला लोकेशन, और ये डंपर आ रहा है, और ये डंपर आ रहा है, और देखिए रोड वापस से ख़राब हो गई और रोड वापस से ख़राब हो चुकी है। और ये अरे भाई गन्ना निकाल, गन्ना निकाल, गन्ना निकाल, रहन दे गन्ना निकाल, चल चल चल, गन्ना हमसे निकला नहीं, गन्ना हमसे निकला नहीं, वाले ने हमें गन्ने वाले ने हमें सर पे डंडे मारे, पापा का पर्रा इसके भाई इंडिकेटर खा दे रहा, चल क्या रहा है, अबे पापा का नहीं, खुद ही किसी का पापा है। और ये तेल डला रहे थे अभी। हेलो गाइस, निकल यहां से, अब जा रहे हैं, तेल भी डला दिया, ग्राफी कह रहा की बस फेरी किसी को घूमने जाना है किसी दिन फ्री में, तो चुपचाप ग्राफिक एरा की बस में बैठ जाओ, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। और ये अभी हम इस टाइम बड़ोवाला में, इधर मेरा एक दोस्त भी रहता है भानु, और मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ रहता हूँ।
ये रास्ता था काफी अच्छा था यहाँ पे, यहाँ से अंदर साइड यहाँ पे जंगल, और ये यहाँ पे अभी तो जमीनें खाली है, आगे जाके तो बहुत अच्छा जगह बन जाएगी भाई। ये अभी शांत है पूरा, दुकान के आगे खड़े हो गए थे पर किसी पे पैसे नहीं है इनमें से। ये देखो पैसे नहीं है लेकिन करना ही है। और ये भाई पैसे अभी पहुंच चुके हैं जस्ट मंदिर, ये सामने गेट है तो आपको दिखाता हूँ इसके बारे में क्या क्या सीन है। वैसे इसमें काफी सारी घंटियां भी लगी है ना, हाँ देखना इतनी सारी एक साथ घंटियां लगी है इसमें। तो ये पहुंच चुके हैं मंदिर, जय हो जय श्री राम। तो आप देखते हैं ये लोग और ये है मंदिर, आप घर पे बैठे बैठे दर्शन कर लो। आज सबसे मेन तो मैं इसी के लिए आया था कि यहाँ भाई मंदिर जाना है, काफ़ी टाइम हो गया था कहीं मतलब बाहर गए हुए, लोग भी कब तक ही अंदर का देखेंगे तो देखने लग गया। ये है पढ़ लो, देख सकते हो। अरे बटलर मत कर, देख मत कर, बीच हट जा, ये मेरे हाथ से खाएगा मार मंदिर में आज, इसलिए मैं शांत रहना चाहता हूँ आज। कंट्रोल। तो ये यहाँ पे पहले हम बैक साइड आए हैं मंदिर के, यहाँ पे काफी बंदर है, लेकिन तुम यहाँ पे ये ग्राउंड देखो यार कितना प्यारा है। और ये इसको देखिए, और ये दूसरा ब्लॉगर यहाँ देख इसको, अरे भाई 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 झूला खेलूंगी। चल 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 तो देख सकते हो काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे इसके बैक साइड देख सकते हो। तो मैं आपको सामने का दिखाता हूँ भाई, इतना अच्छा व्यू है ना सामने, तुम खुद ही बताना कैसा है। ये देखो इस टाइम इधर साइड जमीन है बहुत सस्ती चल रही है भाई, जिनको लेना है ले लेना, कॉन्टैक्ट मेरे को मत करना यार, प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा हूँ। तो ये देखो कैसा लगा भाई यहाँ पे, ठंडे हाथों से कैमरा पकड़ रहा हूँ। और ये मैं जाता हूँ झूले पे, झूला झूलूंगा। और ये झूला अबे तो हो ही नहीं रहा, बेकार है यार ये, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर। दूसरे झूले पे जाता हूँ, दूसरे झूले पे झूलता हूँ, थल्ले दियो यार जरा आराम से। ओए अबे आराम से, ओए भाई ओए रुक रुक अबे रुक दे, ओ भाई रुक दे रुक दे, ओ रुक दे, तेरे को तेरी मम्मी की कसम, कमल की कसम, कमल की कसम, कमल की कसम, कमल की कसम। इधर भी पहुंच गए थे। और ये पेड़ देखो, ये पेड़ है किस चीज का है ये पता नहीं, पर लेकिन इसके नीचे देखो कितने सारे त्रिशूल लगे हैं, इसकी भी कुछ अलग कहानी होगी भाई। तो मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, मैंने सोचा आपको ये दिखाना था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। ये खुला गेट, यहाँ पे लगता है लंगर, यहाँ पे लंगर लगता है। और ये है श्री हनुमान जी का मंदिर, देख लो आप, ये हनुमान जी का मंदिर है। और अब अंदर आ गया, अब थोड़ा मत्था टेकता है, फिर ये देखो ये चेक करो। अपना दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, और देख सकते हो टीका काफ़ी अच्छी है यहाँ की। और इसमें प्रसाद ही ये होता है गुड़, इसको हम बाहर बंदर को भी दे सकते हैं और आधा घर ले जाएंगे। यहाँ का प्रसाद भी काफ़ी अच्छा है। ओए कैसा है भाई, बढ़िया है। और टीका देखो आप, टीका चेक करो, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं दूसरे वाले मंदिर में जाता हूँ, आप यहाँ यहाँ इस शिवलिंग के दर्शन कर लो तब तक। ये देखो यहाँ पर शिवलिंग में पानी चढ़ा है, टीका लगा लिया, प्रसाद वगैरह सब ले लिए। तो आप एक बार यहाँ देख लो, ये हनुमान जी की मूर्ति है, और ये है क्या, जय हाँ जय माता जी की, और ये शिव भगवान की, शिव परिवार की, जय भगवान शिव परिवार की मूर्ति। तो आप जाते हैं बाहर, आप यहाँ देख सकते हो बंदर कैसे आते हैं। ये देखो इनका यही है कि मतलब इनको चाहिए बस प्रसाद, देखो गुड़ चाहिए इनको, सबसे पहले आ जाते हैं ये, और सबने लगा ही लिया टीका। और ये देखो इसको देता हूँ प्रसाद, आधा प्रसाद इसको देता हूँ।
भाई कैसे बैठे हो? मंदिर भी घूम लिया था, मतलब घूमने दर्शन कर लिया था, एक घंटिया दे दूँ। लड़ाई मत करो यार तुम, आ चुके हैं बाहर। तो आपको बताना मंदिर कैसा लगा, और अगर किसी को मतलब आना हो या कुछ भी तो मेरे को बताना। ये है बड़ो वाला के अंदर, कौन सा गांव है यार, क्या बोलते हैं इसको, बुड्डी गांव में। हाँ बुड्डी गांव में। ये काफ़ी अच्छा, मतलब इधर उधर सुकून है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो आप लोग, सब अपने अपने मज़े में हैं। यहाँ पे बंदर भी देख सकते हो, काफ़ी बंदर ही बंदर हैं। तो आप जा रहे हैं घर, और आप वीडियो भी मैं कम ही बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वीडियो बनाए, उसमें भी बैटरी लो हो गई है। मतलब यार इस फ़ोन का ना यही सीन है, मतलब बैटरी लो हो जाती है, जबकि ये है iPhone 8। और कैमरा, लेकिन तुम बताना भाई, कैमरा बहुत बढ़िया है इसका, इसीलिए मैं इस फोन को चेंज नहीं कर रहा भाई, इसी कैमरा की वजह से। तो अभी जंगल में पहुंचे थे, एक मतलब जाते टाइम देख लो आप, इतना प्यारा व्यू है यहां का, मतलब यहां पे मतलब सुनसान है, तुम पार्टी वगैरह करो, चिकन वगैरह बनाओ, सब जगह मतलब खाली खाली है। इधर उधर दिखा, इधर दिखाओ, पर मैं बना दूंगा। अभी क्या है, किसी ने कुछ टोना टोना सुना, हम देखते हैं ट्राई। ओए जा, तो इसको एग्जांपल भेजते हैं। ओए बटलर, वो देख, वो लाल वाला कपड़ा नहीं है, लाल वाला कपड़ा, उसको उतार दे, जल्दी जा। क्या करूंगा, पागल है क्या? सुबह तक इसके मुझे झाग निकल के आए। जली ना तेरी भी, जली ना। सुनसान एरिया, मतलब जिसको कभी कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करना हो तो इधर आ जाना, थोड़ी देर बैठो आराम से अपना, बस तुम्हें तुम पे भूत ना लगे, दैंत ना लगे। दैंत मतलब पता होगा गढ़वाली लोगों को, भूत वगैरह का भी सीन है इधर। मतलब इधर पता क्या होता है, अगर तुम थोड़ा आगे जाओगे, आगे मैं जा ही रहा हूँ, अगर तुमने वहाँ चिल्ला दिया ना, जोर से चिल्ला दिया यार, मतलब ज़्यादा ही तुम बदतमीजी कर रहे हो या ज़्यादा हल्ला हुल्ला कर रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, घर जाके तुम्हारी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम्हें डॉक्टर पे भी, मतलब डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि तुम पे लगा हुआ भूत। तो बस बाद में अपने पंडित जी काम आते हैं, देवता काम आते हैं, वही सीन है इधर। इसलिए चुपचाप रहना चाहिए, ज़्यादा भी हल्ला हुल्ला नहीं करना चाहिए। बाकी पीछे देख लो, वो लोग आ रहे हैं। अरे यार सच में कितना अच्छा, ये देखो, मतलब आज तो यार मैंने सोचा था, मेरे दोस्तों ने भी बोला यार तू वही दिखा रहा है कि ऋषि विहार ये वो, आज तो कहीं अच्छी जगह आ जाओ, तो मैंने सोचा हाँ यार आज मैं मंदिर जाता हूँ पहले, जो मेरे मेन है। फिर मैं अभी किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ यार, देखो साफ बात है, मैं अभी कर रहा हूँ किसी चीज़ का वेट, तभी थोड़ा ब्लॉग ऐसे हो रहा है, नहीं तो अभी देखते जाना। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो, जाने की तैयारी भी हो गई है, जाते हैं घर, अब जाते हैं घर, तो घर पे जाके करते हैं अब बात, क्योंकि अब घर पे जाना है, खाना पीने खाने से, शाम को फिर से मैच है यार, आज भी पैसा ही पैसा होगा, आज हमारी टीम में नया बंदा है उत्तरकाशी का, और ये मेरी गाड़ी कौन सा, हाँ वाला, अरे अभी अभी पहुँचे जाते घर, घर जाता हूँ खाना खाता हूँ पहले, तो भाई बहुत भूख लगी है, मम्मी भी रेस्ट कर रही है, मम्मी सो गई होगी अभी तक, तो देखते हैं क्या सीन है। मम्मी सो रखी है साइड, ये मम्मी का, तो चलो पहले खाना पीना खाता हूँ। ये भी उठा जस्ट, और अब जा रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलने, दोस्तों ने बुलाया कि जल्दी आ जा, पैसे का मैच लग गया, तो जाता हूँ, तो करता हूँ सीधा ग्राउंड में जाके बात। तो ये जस्ट घर के बाद से यहीं पहुँचा था, और अभी काफ़ी मैच तो हो गए, बस एक शॉट डालूंगा ब्लॉग का, काफ़ी लंबा, छक्के ऑडियंस क्या कहना चाहेगी यहाँ पे ऑडियंस, और ये देखो ये क्या देख रहे हैं जरा, ये देख रहा हमारा ब्लॉग, हमारे सब्सक्राइबर, एक और छक्का, चिल्ला चिल्ला, और यहाँ पे बॉल खो दिया थल्ले ने, भाई थल्ले ने सच में बॉल खो दी भाई, जीत सकते भाई वाला मैच, और ये तीसरा छक्का लग चुका है, लगातार तीन छक्के, मतलब जैसे कि शतक खाते वैसी हैट्रिक मार दिया थल्ले ने, यही है हमारा अन्नदाता, एक और हमारे पैसे 25।
और ये देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पे खुशी, बहुत देखा सही, इसने बोला था थलाल भैया जिता देंगे, आज मैं मान गया इस बंदे को यार, इसने चार बॉल पे चार छक्के मारे और मैच जिता दिया। और ये देख सकते हो पैसा पैसा ही पैसा, मनी ब्रो मनी मनी। और ये भाई उस दिन तुम्हें दिखा होगा पर आज देखो इसके मुंह पे चोट लगी, दिखाइयो, इसलिए थोड़ा आराम से चलाए करो। क्या चला रहा था तू, क्या स्कूटी चला रहा था? खेल रहा था रोड यार, पप्पी हो गई, खेलते हैं तो भाई आराम से खेला करो, बेचारा छोटू शकल खराब हो गई उसकी। हाँ भाई मैच भी हो चुका है खत्म, आज हम जीते 500 रुपए, 500 रुपए भी काफी जीत गए, 50 रुपए मेरे हिस्से आए और बाकी ये लोग सारे बच्चे ये लोग ये सारे हाँ दिख रहा है दिख रहा है। देखो गाइस कितना न्यू, ठीक है भाई तो अभी अभी जस्ट अपनी कोचिंग करने आए थे। भैया हेलो कर दो इधर, हेलो कर दिया। और ये है अपना भाई, आज इन दोनों को भी लाया हूँ मैं कोचिंग करने कि मेरे साथ कोचिंग करो, आप कोचिंग करके जाते हैं, कोचिंग करते हैं फिर इसके बाद जाते हैं घर। तो अभी अभी जस्ट कोचिंग से आया, कंप्यूटर कोचिंग से, आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी गए थे और उनको भी लगवा दिया मैंने आज। तो भाई बाहर बाहर बहुत सारे बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई साहब उस हिसाब से। तो अब व्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं, अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और बताना कैसा था मंदिर आपको, मतलब कैसा लगा मंदिर ये कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप बढ़िया रहें, स्टे सेफ, बाय।